कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। लास्ट सिस्टर रख दिया बाप को, देवरा मार दिया। सर इसमें पहली बार जानी कपूर काम कर रही है, वो कैसा लगा? इंटरवल था मूवी में आएगा वो जॉन मेकअप पर। अच्छा। एक सॉन्ग नहीं। सर कितना रेटिंग देना चाहेंगे पाँच में से? कितने स्टार देना? 7। सर मूवी तो मैडम बहुत बेस्ट है, हॉलीवुड से तो बहुत अच्छी है। दोनों की अच्छी है, दोनों की बहुत बेहतर है। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, बहुत बहुत बेहतर। बहुत ज़्यादा, ये लोग तो अधूरा छोड़ देते हैं। सॉन्ग भी अच्छा ही है। नहीं नहीं बोरिंग नहीं, पर बहुत अच्छी पिक्चर है। हाँ लंबाई है लेकिन बहुत अच्छी मूवी है। फाइव स्टार। सर कैसी लगी देवरा? ठीक है, अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस कैसा लगा जानवी एनटीआर और सब का? सबका परफॉर्मेंस अच्छा है। नहीं एनटीआर का भी अच्छा है, सबका अच्छा है परफॉर्मेंस है। जानवी का रोल थोड़ा कम है, इतना वो नहीं है। मूवी बहुत अच्छी है ओवरऑल। एक दो गाने बस बोरिंग है, अगर गाने निकाल देंगे सॉन्ग निकाल देंगे तो फिर ओवरऑल बहुत अच्छी फिल्म। डायरेक्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा है। तो कितने रेटिंग? विजुअल भी अच्छा है। 4। अच्छी मूवी है। वही 5। बहुत अच्छी मूवी थी। जूनियर एनटीआर आरआरआर के बाद के अंदर एक नया लुक मिला उनको देखने के लिए, और सैफ अली खान एक तानाजी के बाद में एक डार्क कैरेक्टर मिला वापस देखने के लिए। बहुत अच्छी स्टोरी है और सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। फिल्म को बहुत अच्छे से परोसा गया है, कहीं पे भी बोर नहीं करती है फिल्म आपको, पूरा बांध कर। हाँ ड्यूरेशन पूरा बांध कर रखेगी आपको। और फर्स्ट पार्ट लॉन्च हुआ है, अभी सेकंड पार्ट के लिए एक सस्पेंस छोड़ दिया जैसा आपने बाहुबली के अंदर देखा था, और बहुत अच्छा मूवी बनाया है। 5/4 रेटिंग। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मतलब देयर इज अ थीम फॉर इट, रिलेटिंग टू द सी एंड द वेव्स आर कमिंग एंड आउट ups and downs. It's very good movie. Action is very good. Just tell me about the character Janvi, NTR and Sam. They are performing very well. Very well. Did you like the direction? That is also good. That is the base of the, this film. Action, direction are good. Songs bhi achhe hain. Songs bhi achhe hain. Overall the picture is very good. Are you excited for the second part? Yes, yes. It must be 4 at least, because second part is remaining na, so 4 at least. It was a really like great movie honestly, and they did not like leave you on a cliffhanger or anything like that. So basically part 1 mein usually kya hota hai ki wo man mein aadha chhod dete hain, but aisa kuch nahi tha. It was really good. Yeah. Not really, like the fighting scenes, they are like pretty long honestly, if I say so, and rest of it, it's actually really good. If I talk about Janvi, Junior, NTR and Sabki performance, aapko kaisi lagi? Performance was great actually, but Janvi Kapoor, she was not really playing a main character role, what I feel like honestly, so yeah. Song kaise lagi aapko? Songs were also really good. Do you excited for the second part? Yeah, I am for sure. 5 out of 5, I would say it's a 5. Thank you so much. Ma'am, kaisi lagi Devra? Bahut badhiya hai. Very nice, amazing movie. The action is just superb. Very nice. Junior NTR, Janvi and Sefki, kaisi lagi? Performance too good. NTR to is the best, and after that Saif Ali Khan, and Janvi was okay. I mean, first part it was not much, but yeah, second act maybe, you know, their chemistry will be match. It was not, you know, they had, don't have much together role. बिल्कुल बोरिंग लग रही, वी वर एक्साइटेड कि अब क्या नेक्स्ट होगा, क्या नेक्स्ट होगा, दैट्स इट यू नो। एंड फॉर द सेकेंड पार्ट तो वी आर ईगरली वेटिंग, इट वॉज अमेजिंग। मतलब बाहुबली का एक्शन याद आ गया, इट वॉज अमेजिंग मूवी। बहुत अच्छी। आई वॉज आस्किंग माई फ्रेंड्स यू नो लाइक कि कौन है इसका डायरेक्टर कौन है, बट अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मस्ट वॉच, फुल 5 स्टार, फुल 5 स्टार। थैंक यू। अच्छी लगी फिल्म। फिल्म ने मतलब फिल्म कुल मिला के मेरे लिए अच्छी टाइम पास थी,
और फर्स्ट पार्ट में मुझे ऐसा हो रहा था कि ना मैं चिल्लाऊँ जोरों से हल्ला मचाऊँ, लेकिन क्योंकि पब्लिक यहाँ पे बहुत शांत सी थी, वो गेटी गैलेक्सी वाली पब्लिक थी नहीं हम, तो मैं भी थोड़ा शांत रहा, बट हाँ दिल से उबारे हुए कि यार वोटिंग होनी चाहिए बंदी की। ये लोग है ना फिल्म को लार्जर देन लाइफ टाइप के बनाते हैं, हीरोइज्म अभी भी बरकरार इनकी फिल्मों में रहता है, या आप सलमान खान की फिल्मों में देख लो, तो इन लोगों ने अभी तक हीरो को जिंदा रख रहे हैं। हमारे यहाँ के हीरो मर के कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए हैं, तो ये थोड़ा सा डाउनफॉल है बॉलीवुड का। तो लेकिन साउथ वालों की एक चीज़ है कि ये अपनी संस्कृति को बड़ी जिंदा रखते हैं, उनकी पूजा तपस्या इन चीज़ों को लेके, तो वो मुझे फिल्म के अंदर में अच्छा लगा। और एक छोटे से टापू के आसपास ही, आइलैंड के पास ही इन लोगों ने समुद्र और उस पर ही फिल्म आई है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आप देखें तो यार मतलब दिल खोल देने वाली है। मतलब मुझे ये अफसोस हुआ कि ये बॉलीवुड वाले इतना कुछ क्यों नहीं बना पा रहे हैं, जबकि हमारे पास वेदों में हमारे और कितने महाभारतों से कितनी कहानियाँ निकली हैं। तो उसी कहानी का एक पार्ट ये भी है कि इसमें भी दो दोस्त हैं साथ के, उनके बीच के बीच में राइवलरीज किस तरीके की होती है, इगोस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन उसके बाद वो क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उन चीज़ों को लेकर कहानी बना रहे हैं। हमारे बॉलीवुड वाले कहाँ सो गए हैं? मैं तो सोचता हूँ कहानियाँ इतनी अच्छी हैं क्यों नहीं बनाते हैं ये लोग। अभी आपने जैसे देखा जूनियर एनटीआर के डबल रोल हैं फिल्म के अंदर में, वो सबको स्टार्ट अभी मालूम भी पड़ गए हैं ट्रेलर से भी और पोस्टर में भी आए हैं। लुक्स लगभग सेम है, बट अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों में डिफरेंसेस आपको मालूम पड़ेगा। एक बड़ा सीरियस कैरेक्टर है जो फादर का है, और दूसरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा बेटे का है, जो वो थोड़ा सा कॉमिक है तो अच्छा है। और साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा बोरिंग जो किया, मुझे वो चैप्टर किया मुझे जाह्नवी का थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर लगा मुझे, बिकॉज मुझे वहाँ नींद आया, मैं एक्चुअली सो गया उसमें थोड़ा बहुत। देन उसके बाद पता नहीं वो गांव वाली लगी नहीं यार मुझे, वो बड़ी दूध सी नहाई हुई और यू नो उसके आसपास की लड़कियों को तो गांव टाइप्स की दिखा दिया, लेकिन डल क्योंकि लेकिन वो गोरी चट्टी सी और उसको मतलब उसके बोलने से भी मुझे, मैं सॉरी बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो गाँव वाली लगी नहीं मुझे। इस मामले में जूनियर एनटीआर ज़रूर लगे, उनका लुक भी उस तरीके का किया और वगैरह, डबल रोल में वो बहुत अच्छे लगे मुझे। सैफ साहब ने अच्छा किया उसमें, लेकिन डायरेक्टर साहब शायद उनके कैरेक्टर उतना बिल्डअप नहीं कर पाए मुझे, मतलब जितना तानाजी में उन्होंने बवाल किया था ना, अजय देवगन के ऊपर भारी पड़े थे, उतना मुझे जूनियर एनटीआर पे नहीं लगे, क्योंकि इसमें देवरा चमक रहा है या वरा चमका उनका बेटा। बहुत ज़्यादा देखने आऊँगा। इसमें भी वही कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, तो वही है कि वरा ने नहीं वहाँ देवरान को क्यों मारा गया, वो नेक्स्ट पार्ट में शायद आएगा। सॉन्ग के अंदर केमिस्ट्री मुझे जाह्नवी की अच्छी लगी, वो थोड़ा सा फिल्म से अलग, अगर उस फिल्म को आफ्टर द टाइटल्स भी डाल देते ना फिल्म के क्लाइमेक्स में तो भी सही रहता, बिकॉज वो फिल्म का पार्ट मुझे लगा नहीं कहीं से भी, वो शायद एक इमेजिनरी वो थॉट बन के रह गया। बट इसके बाद भी बाकी के जो सॉन्ग्स थे वो मुझे इतने ग्रिपिंग लगे ही नहीं, बिकॉज वो साउथ के डब्ड ही लगे, बस ये रोमांटिक सॉन्ग का एंगल थोड़ा अलग था। मैं 3 दूंगा, बिकॉज वो जाह्नवी वाला एंगल थोड़ा सा लैक करता है फिल्म को कहीं ना कहीं, और एक ही मोटो बन जाता है कि साला देवरा को ही मारना, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा नहीं सही। थैंक यू मैम। और क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो एनटीआर को ही देख रहा था। नंबर पिक्चर तो कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 5 में से 3.5। पार्ट 2 का एनटीआर रहेगा, स्टोरी 1 नंबर। सर 3 घंटे की मूवी थी, कहीं बोरिंग नहीं? कोई बोरिंग नहीं, पिक्चर एंटरटेनमेंट। थैंक यू सर। नेगेटिव रोल अच्छा था, जैसे तानाजी के बाद अभी जो नेगेटिव रोल किया, एनटीआर का भी काम अच्छा था, सेकंड पार्ट आएगा तो और अच्छा रहेगा। जाह्नवी की परफॉर्मेंस कैसी लगी? उसके तो थोड़ा ही काम था तो ठीक है, थोड़ा काम भी ठीक था। स्टोरी लाइन तो अच्छा, बाहुबली के वैसा एंडिंग आया, एंडिंग सेकंड पार्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा। 5 में से 3.5 स्टार है। देवरा पार्ट 1 ये मूवी नहीं, पूरी बॉक्स ऑफिस पे सुनामी है। बट हिंदी बेल्ट में भले ही ऑडियंस कम हो, बट लाइक चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश भर के क्राउड है। जैसी नाम है ना मूवी, देवरा पार्ट 1, मूवी भी वैसी है। मूवी का स्क्रीन प्ले मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जूनियर एनटीआर सर की जो एंट्री ना, लाइक एक्वामैन की तरह जो उड़ के आए, जिस तरीके से स्क्रीन प्रेजेंट है उनका, वो मज़ा आया। हालांकि स्क्रीन प्ले थोड़ा वीक है, स्टोरी कहीं ना कहीं बिल्डअप और हो सकती थी, वो चीज़ यहाँ पर हल्की सी मुझे मिसिंग लगी। अगर वो होती तो और भी मज़ा आ जाता, बट अदरवाइज मूवी में मज़ा आ गया मुझे। लाइक जाह्नवी को देखो, सब बोल रहे हैं कि भाई उसका जो कैरेक्टर है ना उसको वेस्ट किया टोटल। अब ये सब ना डायरेक्टर के ऊपर रहता है कि भाई आप सामने वाले को स्क्रीन प्रेजेंट कितना देते हो।
अगर उसकी जगह और कोई एक्ट्रेस होती तो उसको भी स्क्रीन प्रेजेंट कम ही मिलता, बट उन्होंने जितना भी काम किया इंटरवल के बाद वो आई देखी गई, मतलब जितना भी काम किया उनकी जगह पर उन्होंने अपना पूरा पोटेंशियल डाला, नो डाउट। और अगर बात की जाए सैफ अली खान सर की, तो रावण के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ यूनिक देखने मिलेगा, बट जो उनका कैरेक्टराइजेशन किया गया है ना, कभी छोटे वाले कभी बड़े वाले, तो वो थोड़ा बहुत मतलब फीका लगता है, बट अदरवाइज ओके सही है। काफ़ी अच्छा लगा, मतलब पोतारला शिवा इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उनकी ट्रेलर में ना आपको कभी कुछ देखने नहीं मिलेगा, जो भी आपको देखने मिलेगा ना तो वो आपको मूवी के अंदर ही देखने मिलेगा जो कि आपको नज़र आ रहा है। और पहली बार मैं हमारे करण जौहर साहब की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि इस बार उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, वरना उनके काम ऐसे होते हैं कि थूकने के बराबर होते हैं, बट इस बार मैं तारीफ़ करना चाहूँगा करण जौहर सर की कि भाई उन्होंने काम अच्छा किया कि इस मूवी को हिंदी सर्किट में लाया। और मतलब क्या बोलूँ, हिंदी ऑडियंस तो है ही पागल, उन लोग को मतलब अच्छी चीज़ें समझ में आती नहीं है। अगर कोई मूवी समझना है तो साउथ की ऑडियंस से सीखो कि स्क्रीन प्रेजेंट कितना अच्छा करते हैं, डायरेक्टर की मेहनत कितनी अच्छी होती है। और कहीं ना मेरे को इतना अंधेरा लग रहा था, एक साउथ के डायरेक्टर से वो इतनी रिक्वेस्ट है कि अपनी मूवी में ना आप थोड़ी डार्कनेस कम करो, आप मूवी में डार्कनेस डालते हो तो कपल लोग का फ़ायदा हो जाता है थिएटर में, मतलब यार इतना अंधेरा थोड़ा, मतलब एक बोलते ना ऐसी चीज़ें लाओ कि थोड़ी कुछ निकल कर आए कि हाँ भाई अच्छा लगे, एक तो वहाँ अंधेरा एक तो यहाँ अंधेरा, वो पर्दे में मज़े कर रहे कपल यहाँ मज़े कर रहे, तो यार थोड़ा एक यूनिकनेस लाओ, थोड़ी ब्राइटनेस लाओ तो देखने मिले। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं पहचान रहा था इंटरवल के बाद, मेरे को लगा कोई और आके बैठी है, इतना अंधेरा था। तो बस ये बोलूँगा थोड़ा अंधेरा कम करो, बाकी मूवी अच्छी है, मज़ा आ गया मूवी देखकर। एक बार बोलूँगा सब आओ देखो, 3 घंटे की मूवी है, बट इंटरवल के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि मूवी कब ख़त्म हो गई। और बाप बेटे का जो मतलब वो चीज़ है ना, वो भी कमाल है, तो सबने जवान मूवी से सीख लिया है, बाप को हाथ लगा रहे थे बोले बेटे से बात कर। ये मूवी को रेटिंग मत दो, ये मूवी को ऑस्कर दो, क्योंकि यार डायरेक्शन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं फिर बोलता हूँ, हिंदी ऑडियंस को शायद डाइजेस्ट ना हो, कहीं ना कहीं लोगों का नेगेटिव रिव्यू निकल कर आया, बट मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी है। तो 5 out of 5 ले लो, सब ले लो, दुनिया ले लो, ज़मीन ले लो, आसमान ले लो, चाहे तो ये पूरा जहान ले लो, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है। और RR के बाद मतलब SS राजामौली सर के बाद जो जूनियर NTR सर ने काम किया है ना, जितनी पोटेंशियल डाली है ना, देख कर मज़ा आ गया। लव यू NTR। अरे भाई एक्साइटेड हूँ मैं तो, अभी से अपने घर कपड़े मकान ज़मीन सब बेच के तैयार हो जाऊँ सेकेंड पार्ट के लिए देखने, इतना एक्साइटेड हूँ मैं। यो वेलकम। मूवी यार ओके है, वन टाइम वॉच है, मुझे अच्छी लगी है, पर इंटरवल के बाद मूवी मुझे नहीं मज़ा आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इंटरवल तक तो स्टोरी जो प्रेडिक्टेबल है तो मज़ा आता है, एटलीस्ट देखना एंगेजिंग है कि कैसे लीगल स्मगलिंग बताई और फिर कुछ इंसिडेंट की वजह से स्टॉप हो जाती है। पर इंटरवल के बाद है ना, पिक्चर में फ्लॉज ही फ्लॉज है। पहली बात तो जानवी कपूर को दिखा दिया स्टार्टिंग में इंटरवल के बाद, तो वो ओवर एक्टिंग कर रही है, उसके बाद वो डांस कर रही है एंटर के साथ, वो अच्छा डांस था, पर जो बाप बेटे का जो बताया वो ज़बरदस्त बताया। अभी वो जवान से ट्रेंड हो गया है, उसका हमने अभी गोट में भी देखा बाप बेटा, अब इसमें भी बाप बेटा देखा, तो अभी ट्रेंड हो गया। बाकी एक्शन ज़बरदस्त है, म्यूज़िक अच्छा है, और पार्ट टू की मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पार्ट वन में ख़त्म कर सकते थे ऐसा लगा मुझे। नहीं म्यूज़िक अच्छा है, वो जो फर्स्ट हाफ में वो जो शस्त्र पूजन वाला जो स्पेशली वो सॉन्ग है, उसमें ज़बरदस्त डांस, वो साउथ का एक जो स्टाइल कल्चर है ना वो, तो दिखा वो सॉन्ग में मुझे। डायरेक्शन अच्छा है, पर सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते थे, क्योंकि जो एक हाइप क्रिएट हुआ था ना इंटरवल में कि यार अभी और कुछ ज़्यादा देखने मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है सेकेंड हाफ। मैं 3 stars। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोराटला सिवा को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा, उसने अपना जो कमबैक किया आफ्टर फेलर, उन्हें जो आई थी आचार्य फ्लॉप हो गई थी, उसका जो कमबैक किया ये, अभी मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में देखा रिपोर्ट कि 140 crore का प्रेडिक्शन जा रहा है, उससे और ज़्यादा जा सकता है, सो आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली है। अनिरुद्ध का म्यूजिक वाव, एज एक्सपेक्टेड हमेशा से की तरह अच्छा रहेगा, जो मैंने फील प्रेजेंस का जेलर में भी फील किया था, लियो में फील किया था, सेम यहाँ पे और उसने बेटर किया अपना म्यूजिक और BGM सॉन्ग्स। हाँ नहीं मुझे कहीं बोरिंग नहीं लगा, मुझे एक्चुअली कोराटला सिवा की ना पिक्चर्स में देखा हूँ उसकी, उनकी मिर्ची मूवी देखी है मैंने श्रीमंत थोड़ू महेश बाबू के साथ, जनता कह रहा है NTR के साथ, वो जो मिर्ची थी वो प्रभास के साथ थी उनकी डेबिट मूवी, फिर और भी अच्छी अच्छी मूवी थी उनकी, मतलब क्या डायरेक्शन दिया उनने एक्शन सीन्स के, जैसे मार रहे जिससे उन्होंने NTR की आँखें दिखाई है ना, आई वुड लाइक
ये एनटीआर का क्या, उनके डायलॉग से ज़्यादा उनकी मैं आँखों पे फोकस करता है। एनटीआर की जो आँखें हैं ना, ऐसा लगता है बस इसे आँखों के साथ एक्टिंग करें ना, काफ़ी है इतना। सैफ अली खान की एक्टिंग अच्छी लगी मुझे, उनका नेगेटिव डार्क रोल। मैं 10 out of 10 दे दो, 100 में से 100 दे दो, 5 में से 5 दे दो। एंड उसका एक्वाटिक एक्शन क्या मस्त था उसका, मतलब जो सियोचा डायरेक्टर ने, VFX भी अच्छा था। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था कि VFX में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा VFX है। और इसका VFX तो मतलब मैं पानी का तो इतना अच्छा रियलिस्टिक लग रहा था। और जो एक्शन सीन है ऐसे मारता है, घुमाता है, मून के करते टच करता है, मतलब पूरी मतलब चिल्लाना चालू कर दिया, मैं रुका नहीं, मैंने कंट्रोल नहीं करता इमोशन बहुत ज़्यादा। पहला सस्पेंस आया था कटप्पा ने बाहुबली होगी हमारा, दूसरा सस्पेंस आया वर्धा और देवव्रता दुश्मन क्यों बने, और तीसरा सस्पेंस बाप ने बेटे को क्यों मारा, मतलब क्या करके आ रहे साउथ के डायरेक्टर्स, मतलब आतंक मचा डाले। मैं NTR का एक सिग्मा वो करना चाहता हूँ, जिसकी फेमस मूवी है अरविंदा समेता, क्या मैं कर सकता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड। मैन ऑफ मासेस जूनियर NTR, वेलकम। मूवी तो बहुत अच्छी थी और मैंने देखा तो एक्शन सीन्स तो बहुत ही अच्छे किए थे, और बाकी की जो भी स्क्रीनिंग्स थी, मतलब जो भी प्रेजेंटेशन था मूवी का, वो बहुत अच्छा था। सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जूनियर NTR और सैफ अली खान की तो बहुत ही अच्छी है। जानी मैम को भी देख के अच्छा लगा मुझे मूवी में। हाँ, स्टार्टिंग में कई हद तक बोरी लगी, पर बाद में इंटरवल के बाद बहुत अच्छी लगी। हाँ, स्टोरी लाइन वैसी बहुत अच्छी है, पर बाद में जो ट्विस्ट आया था उसकी वजह से और मज़ा आया। डायरेक्शन बहुत अच्छा था, काम हर एक चीज़ में बहुत अच्छा किया है उन लोगों ने। सॉन्ग्स वैसे अच्छे ही है, 5 में से 4। बहुत अच्छी मूवी है, एक नंबर। हर एक का परफॉर्मेंस एकदम ब्रिलियंट था, एकदम मस्त था, हर एक ने 100% उनका जो एक्टिंग रोल था वो पूरा दे दिया है मूवी में। नहीं नहीं बोरिंग नहीं, क्योंकि हर एक एक्शन पे एक्शन हर एक गासू हो रही थी, इसलिए एंजॉयमेंट आ रहा था और हमने एंजॉय करके मूवी देखी है पूरी। बहुत अच्छी थी उन्हें, उनके सीन, रोमांटिक सीन वगैरह, उनका सॉन्ग वगैरह बहुत अच्छा था, एकदम एंजॉय टाइम। 5 out of 4 दूंगा, क्योंकि एंडिंग में थोड़ा कंफ्यूज था कि मतलब ऐसे लग रहा था कि फिल्म अधूरी है, अभी कुछ बाकी और, क्योंकि जब लास्ट में उसके बेटे ने उसको मारा था ये पता चलता है क्यों मारा था, ये इनकम्प्लीट है, इसलिए वो जानना जरूरी है। हाँ, यस यस, एक्साइटेड, थैंक यू।